केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज थाना कलां से स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का मंच प्रदान करने का शुभारंभ किया। अब विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के तैयार किए गए 51 उत्पाद ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन पर बिकेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। जनता पार्टी की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से भी, केंद्र सरकार की ओर से भी आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लंबे समय के बाद इस तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति मिली है और हम सब लोग महामारी के चलते सबने प्रयास किया कि मास्क पहनकर रखें और प्रयास करें कि कोविड प्रोटोकॉल को हम लगातार निभाते रहें। आज हमारे बीच में आदरणीय कंवर जी के प्रयासों से वो संभव हुआ है जिसकी कल्पना शायद हम में से किसी ने नहीं की। हमारे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर और यहाँ की संभावनाओं को देखकर उसमें विकास के चार पंख लगाने का काम आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी ने आज किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वर्ष पहले होना था तो, लेकिन आज मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है कि जहां आज यहां पर जो पैराग्लाइडिंग के लिए, यहां पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये जो जगह चिन्हित हुई है, जो जिन्होंने इस जगह को चिन्हित किया उन्होंने कहा ये भीड़ व्हीलिंग और कुल्लू मनाली से बेहतर जगह जो है वो अपनी ये रायपुर मैदान और लठानी के बीच की जो साइटें हैं ये सबसे बेहतर साइटें जो है वो मानी जा रही है। और स्थान है इससे ये वीकेंड टूरिज्म में जो है वो एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। आज जहाँ इस क्षेत्र के अपने जब बनाए हुए जो उत्पाद जो है वो उनको बेच यहाँ से बेच सकेंगे और साथ में नौजवानों का इनकम जनरेशन जो है वो इसके माध्यम से होने वाली है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि जी का कि आपके ही प्रेरणा से हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र को भेजा, जहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान, स्वराज अभियान के माध्यम से जो है वो आज इस प्रोजेक्ट की जो है वो स्वीकृति हुई है। मैं पहले तो हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी को कि जिनके प्रयासों से केंद्र सरकार से लगभग 15 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और पूरे इलाके में एक नई व्यवस्था खड़ी होगी इको टूरिज्म की और ऐसे प्रयास होंगे कि इसके माध्यम से होम स्टे की व्यवस्था हो, स्वरोजगार की व्यवस्था हो, किसी को ढाबा चलाने को मिले, किसी को घर पे ठहराने का काम मिले, किसी को स्वरोजगार के अवसर मिले और किसी को वाटर स्पोर्ट्स के अवसर भी मिले। वो सारे प्रयास यहाँ पे किए जाएंगे ताकि एक आकर्षण का केंद्र पूरे जिला ऊना में बने। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।